पाकिस्तान के 24 तालिबे इल्म अमरीकी खलाई कैंप में शरीक हुए। इनके मुनफरद तजुर्बे की यादों से जुड़ी तकरीब की कहानी रिपोर्ट कर रही हैं मौना सिद्दीकी। दाऊद फाउंडेशन और अमरीकी कौंसलेट जनरल कराची के तावुन से नासा के खलाई कैंप का दौरा करने वाले तालिबे इल्मों की पजीराई की तकरीब का इनेकाद मैग्नीफाइड साइंस म्यूजियम में किया गया। तकरीब में शामिल तलबा ने खलाई रॉकेट सेंटर नासा के स्पेस कैंप के तजर्बात शेयर किए। नासा जाए, हम लोग को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, हम लोग बहुत मजा आया, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे वहाँ जाए। वहाँ के लोगों के लिए भी वहाँ जाना इतना आसान नहीं था जितना हम लोग को मजा आया। मिशन करते हुए हमें बिल्कुल रियल फील हो रहा था कि हम स्पेस में है और हमें कमांडर को रिपोर्ट करनी थी। कुछ स्पेशलिस्ट थे, कुछ एस्ट्रोनॉट बन के हमारे रॉकेट के लिए सोलर पैनल से एनर्जी लेने गए थे और हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इन बच्चों के प्रोजेक्ट टीचर्स ने भी नुमाया कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। मेरे लिए भी जिंदगी में एक मेमोरेबल मोमेंट है और बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए कि मैं इन बच्चों को इस काबिल बना सकी कि आज वो इस मकाम पर है। ऐसे बहुत सारे इस तरह से होने चाहिए इवेंट वगैरह ताकि हमारे पाकिस्तान में भी जो टैलेंट है वो हमारे दुनिया भर में नजर आए। तकरीब में शामिल होने वाले 3 साइंसी मुकाबलों में प्लास्टिक से रोड बनाना, एंटी स्लीपिंग ऐनक और मुर्गी के पर से कागज बनाने जैसे मुनफरिद प्रोजेक्ट के 24 होनहार तलबा की कोशिशों और सलाहियतों को सराहा गया। पाकिस्तान के नन्हे साइंसदानों ने नासा के स्पेस कैंप का मुनफरिद तजर्बा किया जो पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। कैमरामैन आरिफ अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। सुपीरियर ग्रुप।